गुड मॉर्निंग आइकॉन इंडिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी अभी मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ठीक है, उससे पहले मैं कंपनी का सारे टाइटन कैपिटल मार्केट का डिटेल्स प्लान के बारे में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और ये प्लान कैसा है और लीगलिटी कितना दूर तक सही है, ये सारे का सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ एक बाई एक, स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। तो आप ये देख के उसके बाद आपके मन में कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को टाइट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और 9040255513 मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा कंपनी का प्लान के बारे में, ओके। देखिए दोस्तों, टाइटन कैपिटल मार्केट है क्या पहले, ठीक है। टाइटन कैपिटल मार्केट एक ब्रोकर हाउस है, राइट। जो ब्रोकर हाउस है उसके पास ऑफिशियली पार्टनर विथ टू ट्रेड हाउस अवेलेबल है, जो कि दो ट्रेड हाउस, वन इज द वाइज विंग एंड अनदर इज द फायरफॉक्स, राइट। वाइज विंग एंड अनदर इज द फायरफॉक्स, टू ट्रेड हाउस, ठीक है। तो हम जो पब्लिक कस्टमर है, ठीक है, हमारा जो पेमेंट है पब्लिक, ठीक है, उसका पेमेंट हम देते हैं टाइटन कैपिटल मार्केट को। मैं आपको ओवरऑलली समझाता हूँ कि कंपनी हमको कैसा क्या पेमेंट करके, रोटेशन करके हमको रिकवरी करके देता है, ठीक है। जस्ट मान लीजिए कि हमारा पब्लिक से फंड अवेलेबल है, ठीक है, और टाइटन कैपिटल मार्केट के पास नॉलेज अवेलेबल है, राइट। तो टाइटन कैपिटल मार्केट एक ब्रोकर हाउस है और वाइज विंग एंड फायरफॉक्स दो ट्रेड हाउस है, राइट। अभी मान लीजिए कि हमने जो फंड दिया है कंपनी को, टाइटन कैपिटल को हमने फंड दिया है डॉलर से, राइट। अभी वो पेमेंट लेके कंपनी क्या करेगा, ये दो ट्रेड हाउस को सप्लाई करेगा। जब ये दो ट्रेड हाउस ट्रेड करके बेनिफिट करके वो कंपनी को देता है, राइट। और ये जो दो ट्रेड हाउस है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड हाउस है, वाइज विंग एंड फायरफॉक्स। आप गूगल में जाके सर्च करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसका जो सारे के सारे फोन जो प्रॉफिट आता है वो देता है टाइटन कैपिटल मार्केट को ट्रेड करने के बाद। अभी वो टाइटन कैपिटल जितना भी प्रॉफिट कमाता है, जो कि हमारा जो कि ऑफिशियल के ऊपर अगर देखोगे तो महीने में 40-50% कंपनी प्रॉफिट कर रहा है एवरी मंथ, राइट। और उनमें से हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22% से 25% हमको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। और बाकी का प्रॉफिट कौन ले रहा है, कंपनी रख रहा है। तो हम यहाँ जितना भी पेमेंट डालते हैं 15-25% तक गारंटेड रिटर्न मिलेगा आपको। और ये सारे का सारे कैसे रिटर्न मिलेगा, इसके लिए मैं आपको प्लान डिटेल्स में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, राइट। तो अभी आपको पता चल गया कि टाइटन कैपिटल मार्केट है क्या, ब्रोकर हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अबाउट द कंपनी, फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि टाइटन कैपिटल इज इंटीग्रेटेड एजुकेशनल फाइनेंशियल ग्रुप, मोर देन 100 प्रोफेशनल स्टाफ वर्ल्ड वाइज, उनके पास वर्ल्ड वाइज 100 प्रोफेशनल स्टाफ है, उनको लेके कंपनी ट्रेड कर रहे, राइट। नेक्स्ट आता है लाइसेंस के बगैर, देखिए लाइसेंस रेगुलेशन अगर हम बात करेंगे, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन जो कि NFA लाइसेंस नंबर कंपनी के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है मनी सर्विस बिजनेस, जो कि हम MSB बोलते हैं, ये उसका लाइसेंस नंबर है। नेक्स्ट आता है ASIC, जो कि सबसे बड़ी लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कमीशन, एंड फिनट्रस्ट मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ कनाडा। ये जो ASIC, फिनट्रस्ट एंड NFA लाइसेंस, ये सबसे बड़ा लाइसेंस है, जो कि ये लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिसके पास ब्रोकर हाउस है, जो भी ट्रेड करता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है मार्केट अभी कितनी कंट्री में एंट्री करके काम सक्सेसफुल कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यूरोप में कंपनी स्टार्ट हो गया है, लैटिन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया एंड लास्टली इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, राइट। फिर आता है कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ,
अगर हम बात करेंगे तो फाउंडर मिस्टर हावर्डन जो कि कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ है और ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उनका पढ़ाई हुआ है हांगकांग से, राइट, जो कि डिग्री हासिल किए और मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट के ऊपर है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों, राइट। उसके साथ साथ अदर फाइनेंशियल रिलेटेड फील्ड के ऊपर भी उनका ज़्यादा सा एक्सपीरियंस है और जिस बंदे का ज़्यादा जिस फील्ड में होगा वही फील्ड वो आगे लेके जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, जो कि कंपनी के अंदर जितना भी अवार्ड मिला है सबसे बेस्ट 3 अवार्ड मिले हैं कंपनी को, जो कि 2022 में बेस्ट इनोवेटिव फॉरेक्स ब्रोकर के हिसाब से एक अवार्ड मिला है, राइट। 2022 में मोस्ट ट्रस्टेड एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट फिनटेक इनोवेटिव अवार्ड जो कि 2022 में ये बड़े बड़े 3 अवार्ड कंपनी को दिया है दुबई एक्सपो में। फिर आता है ये कि जो एक्सपो हुआ था दुबई में, राइट, ये सारे के सारे उसका कुछ पिक्चर है, आप यहाँ शो करके देख सकते हो, VKFX इन दुबई, ये कुछ पिक्चर है, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है जो कि मार्च महीने में 27, 28, 29, ठीक है, जो कि 2023 में हमारा दिल्ली प्रगति मैदान में कंपनी का एक्सपो हुआ था, बहुत सारे कंपनी आए थे और सबसे बड़ी खुशी की बात है उन सबसे चीफ गेस्ट हुए थे मिस्टर हावर्डन जो कि टाइटन कैपिटल का मास्टर है, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ हमारा जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीताराम, ठीक है, उनकी प्रेजेंस से ही कंपनी सारे के सारे ओपनली लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये कुछ पिक्चर है, आप यहाँ देख सकते हो इंडिया का जो एक्सपो हुआ था, हमारे यहाँ कुछ इंडियन पीपल भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटन सुप्रीम चैलेंज स्टार अवार्ड, जो कि कंपनी ने ऑन 23 अप्रैल 2023 में पंजाब लुधियाना में कंपनी ने लॉन्च किया था, राइट। उनमें से बहुत सारे लोगों का ऑडी BMW मर्सिडीज सारे के सारे अचीवमेंट भी हुआ था, राइट। फिर आता है टाइटन दुबई लीडर्स समिट, जो कि दुबई में भी कंपनी का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी आप कुछ पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है जो कि रिसेंटली ऑन 16 जुलाई 2023 गोवा में इवेंट हुआ था, ठीक है, जो कि उसका नाम था सुप्रीम चैलेंज 2 स्टार अवार्ड, राइट। वहाँ कंपनी का बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट भी लिया होगा जो कि लाइव में आए थे, ठीक है, सारे के सारे, जो कि उनका पूरा के पूरे टाइटन कैपिटल का पूरा मैनेजमेंट टीम भी वहाँ आके रिकॉग्नाइज किया था, राइट। तो यहाँ जो देखिए हमारा जो कि टॉप सीनियर है सुभाष भाई, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्च्यूनर विनर है दोस्तों, ओनली 6 to 7 months वर्किंग के अंदर, और महीने का अगर उसका प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो डेली का डेली दोस्तों उनका 10 लाख 15 लाख आ रहा है, और महीने में तो अगर कैलकुलेशन कर दे तो करोड़ रुपया हो जाता है, राइट, ओनली 6 to 7 months वर्किंग करके। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो, शो कर सकते हो, राइट। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल इवेंट, कभी कंपनी क्या क्या फ्यूचर में करेगा वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भी कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है, जो कि अभी प्रोग्राम है सितंबर मंथ जो कि अबू धाबी में, ठीक है, ये प्रोग्राम है, और ऑस्ट्रेलिया 2024 में कंपनी में यहाँ अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट आता है मीडिया ने एक्नॉलेजमेंट, नेक्स्ट आता है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का सबसे बड़ा, जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर NSEB है, ठीक है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर अगर देखोगे तो वर्ल्ड वाइज का सबसे बड़ा एक्सचेंज होता है हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ कंपनी का जो कि CEO कंपनी का हमारा मिस्टर हावर्डन है वो आके इंटरव्यू ले रहा है, उतना मतलब स्ट्रेंथ है उनके अंदर, राइट, फील्ड के अंदर मास्टर है। उसके साथ साथ कंपनी को जो कि GBM जो कि ग्लोबल ब्रांड मैगजीन के ऊपर भी कंपनी को यहाँ अवार्ड भी दिया गया है, राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल रिव्यू भी कंपनी के पास जो कि लाइसेंस जो कि एक रिवार्ड भी मिला है, राइट। उसके साथ साथ कंपनी का फाउंडेशन भी यहाँ कंपनी कर रहा है, जो कि हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन करके आगे भी बढ़ा रहा है प्रोसेस उनका। ये कुछ पिक्चर है आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कंपनी जो कि
पहली स्टेप में ही प्लान के अंदर एंट्री होने से पहले ही आपको दे रहा है टाइटन एसिड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट या जितना भी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करना चाहते हो उसकी एग्नेस्ट में कंपनी आपको फंड प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, आपको ये इस टाइप का सर्टिफिकेट आपका अकाउंट में, जब आपका अकाउंट सब्सक्रिप्शन होने के बाद ग्रीन होगा तभी आपको मिल सकता है। राइट, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको विद द प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मैक्सिमम $3,000, एक आईडी के ऊपर $3,000 लगभग 3 लाख रुपया होता है, आपका फंड प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। राइट, ये फंड प्रोटेक्शन क्या है, हर कोई फंड प्रोटेक्शन नहीं देता, कुछ कंपनी ही फंड प्रोटेक्शन दे सकता है। राइट, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने जो बैंक में जितना भी पेमेंट डाला है, राइट, उनका भी फंड प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आप अगर अभी भी बैंक में जाके आप अगर मांगोगे कि हमने जितना पेमेंट डाला है, अगर मान लीजिए कल सुबह कंपनी कुछ भी हो जाता है कि बैंक कोई भी क्रैश हो जाता है, तो हमको वो फंड रिकवरी होगा कि नहीं होगा, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें आपका फंड प्रोटेक्शन रहेगा 5 लाख रुपया। ठीक, वैसे ही कंपनी यहाँ टाइटन कैपिटल मार्केट भी आपको एस्ट्रोल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आपको $3,000 मतलब 3 लाख रुपया आपको यहाँ फंड प्रोटेक्शन भी दे रहा है। राइट, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर है 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है कंपनी का प्लान के बारे में, जो कि कंपनी में हम कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना ले सकते हैं, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी का प्लान के बारे में और इसके हम डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, पहले हम जब कंपनी में एंट्री करना चाहते हो तो उससे पहले हमको एक आईडी को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मिनिमम अमाउंट है $30, जो कि बेसिक लेवल एजुकेशन सब्सक्रिप्शन फीस है और उसका वैल्यू है $30। $1 का वैल्यू अभी रिसेंटली अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज में जाके शो कर सकते हो, देख सकते हो, तो रेट मिलेगा आपको 91 से लेकर 93 तक मिलेगा। राइट, लेकिन मैं एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए आपको 100 रुपीस ले लेता हूँ। ठीक है, $1 का वैल्यू 100 रुपीस, तो $30 मतलब आपका अकाउंट हो गया 3000 रुपीस, और 3000 रुपीस अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 10 से लेके $60 तक आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो, और यहाँ जितना आपने डिपॉजिट किया है उसकी अगेंस्ट में कंपनी आपको बोर्ड ट्रेडिंग में प्रोवाइड किया जाता है। बोर्ड ट्रेडिंग, ये बोर्ड ट्रेडिंग क्या है, जो कि AI के माध्यम से कंपनी आपको 8 से 10% मंथली रिटर्न आपको देता है। राइट, फिर आता है नेक्स्ट लेवल, जो कि स्टैंडर्ड लेवल एजुकेशन फीस। ठीक है, नेक्स्ट लेवल स्टैंडर्ड लेवल एजुकेशन फीस, जो कि कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल के क्या करता है, मान लीजिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप वहाँ कितना डाल सकते थे ट्रेडिंग लिमिट में, 10 से लेकर $60 30 सब्सक्रिप्शन में, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। सिंपल सा बात है, 3000 का आपका आईडी हो गया और आप वहाँ ट्रेडिंग में डाल सकते हो 6000, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। राइट, और वो 6000 का आपका मंथली गारंटेड रिटर्न मिलेगा 8 से 10%, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 8 से कम नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रेस्ट अमाउंट दे के आपको अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने $30 का सब्सक्राइब लिया था, अभी $100 में जाना चाहते हो, तो आपको रेस्ट अमाउंट $70 अगर यहाँ आप डिपॉजिट कर देते हो तो आपको $100 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड लेवल एजुकेशन है। उसमें बेनिफिट आपको क्या मिलता है, कंपनी जो कि आपने सब्सक्राइब दिया है उसकी अगेंस्ट में फाइनेंशियल कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बेसिक कोर्स एंड सेकंड इज द मास्टर कोर्स, दो आपको कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आप खुद भी एजुकेशन लेके ट्रेड के ऊपर नॉलेज लेके आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा MetaTrader 4 हो गया, MetaTrader 5 हो गया। ठीक है, कोई भी ब्रोकर हाउस थ्रो में ही आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। राइट, और इसका जो $100 में जो आपने दिखाया था यहाँ, ठीक है, ट्रेडिंग लिमिट यहाँ है 10 से लेके $300, $300 मतलब 30,000। ठीक है,
और आपका अकाउंट हो गया 10,000 सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आप ट्रेडिंग में कितना डाल सकते हो, $300। और उसके एग्नेस्ट में कंपनी आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ सबसे बड़ी बात है प्रोफेशनल कॉपी ट्रेडिंग टीम मिलता है। अभी आप बोर्ड ट्रेडिंग में नहीं जाते हो, अभी आपके लिए प्रोफेशनल कॉपी ट्रेडिंग टीम आता है जो कि आपके फंड को मैनेजमेंट करके वो प्रॉफिट करके आपको वो दे रहा है। कैसे क्या बेनिफिट दे रहा है, मान लीजिए कि आपने $300 में आपने ट्रेड में लगाए हो और उसका महीने का 40-15% गारंटेड मंथली रिटर्न मिलेगा। गारंटेड, कंपनी ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी का अगर महीनों में एवरेज देखोगे कंपनी का प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको गारंटेड रिटर्न कितना मिल रहा है, 14-15%, ये मंथली गारंटेड रिटर्न है, राइट। और ये जो 14% से बोल रहा हूँ उससे एक रुपया भी कम नहीं होगा, 15% से भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट लेवल, मान लीजिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी को फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। कितना अपग्रेड करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपने $100 में आईडी सब्सक्राइब किया था, अभी आपको रेस्ट अमाउंट जो कि $200 दे के यहाँ आपका आईडी सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो यहाँ आपको एडवांस लेवल एजुकेशन फीस के साथ जो कि मास्टर कोर्स बेसिक कोर्स मिलता है, प्रोफेशनल कॉपी ट्रेडिंग टीम मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करता है कंपनी, आपको ट्रेडिंग लिमिट को इंक्रीज कर देता है, तो आप कितना यहाँ डाल सकते हो, $1,500, मतलब कितना आता है 1,50,000, इतना आप ट्रेडिंग में डाल सकते हो। और उसकी एग्रेस्ट में आपको हर महीना 14-15% आपको यहाँ रिटर्न मिलता है, राइट। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ जितना भी पेमेंट डाला है, मान लीजिए कि $500, मतलब $300 सब्सक्रिप्शन करने के बाद अगर आप ट्रेड में मिनिमम $500 डाल सकते हो तो आपका वो $300 भी रिटर्न हो जाता है कंपनी के माध्यम से। कैसे रिटर्न होता है सब्सक्रिप्शन, कंपनी ये बोलता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसका डेली का डेली 0.1% डेली का डेली आपका रिटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रो लेवल एजुकेशन सब्सक्रिप्शन फीस, सबसे बड़ी बात है दोस्तों प्रो लेवल एजुकेशन सब्सक्रिप्शन फीस क्या है, ये आपको मैं डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो कि यहाँ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के साथ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। कैसा क्या मिल रहा है, मान लीजिए कि आपका अकाउंट $300 का था, अभी आपने $1,000 जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने यहाँ डाला है, तो आपको यहाँ कितना मिलता है, $300 का आपका सब्सक्रिप्शन था, अभी आपने $700 एक्स्ट्रा दे के $1,000 का आईडी एक्टिव कर दिए, तो अभी यहाँ क्या होता है, कंपनी आपको वही प्रोफेशनल कॉपी ट्रेडिंग टीम दे रहा है, लेकिन आपको मिलता है 2 ट्रेड हाउस, ठीक है। अभी उससे पहले मैं जितना भी बात कर रहा था आपको वाइज विंग का ट्रेड हाउस ही मिल रहा है, अभी आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा है जो कि आपको मिल रहा है फायरफॉक्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ट्रेड हाउस है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि आपका $1,000 का आईडी हो गया, ठीक है, अपना ट्रेडिंग का लिमिट यहाँ 10-6,000 तक आप यहाँ ट्रेडिंग में डाल सकते हो, और इसका बेनिफिट आपको इवनी मंथ मिलता है 14-15%, राइट। और उसके बाद कंपनी बोल रहा है कि अगर आपके पास $1,000 का आईडी है तो कंपनी आपको दूसरा भी ट्रेड हाउस दे रहा है जिसका नाम है फायरफॉक्स, आप वहाँ भी जाके ट्रेड में डाल सकते हो। और कितना डाल सकते हो आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप डाल सकते हो जितना आपने वाइज विंग में लगाए थे, ठीक है, जो कि यहाँ लिमिट थे $6,000, उसका डबल आप डाल सकते हो फायरफॉक्स में, मतलब कितना हो गया $12,000, लगभग 12 लाख, यहाँ हो गया कितना था 6 लाख, मतलब एक आईडी के ऊपर ओनली $1,000 के ऊपर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाल सकते हैं 18 लाख। और सबसे बड़ी बात, इसी महीने में जो कि सेप्टेम्बर मंथ में जो कि कंपनी में थाईलैंड में अभी लॉन्च किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ ले सकते हैं जिनके पास $1,000 का आईडी है। उसका बेनिफिट क्या है और वो कैसे ले सकता है, अगर आपने $1,000 का आईडी लिया हो और वाइज विंग ने आपने जितना भी पेमेंट डाला है उसका डबल डाल सकते हो फायरफॉक्स में, और फायरफॉक्स में जितना डाल सकते हो उसका 5 टाइम्स डाल सकते हो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में। यहाँ देखिए $12,000 आप डाल सकते थे फायरफॉक्स में, उसका 5 टाइम्स मतलब हो गया 5x, कितना होता है आपको $60,000, मतलब 60 लाख आप डाल सकते हो एक ही आईडी पे।
और उसका मंथली गारंटी रिटर्न आपको कितना मिलेगा, डेली का डेली 0.8% और महीने में होता है 24%, राइट। और फायरफॉक्स में आपने जितना डाले थे जो कि $12,000, उसका भी आपको रिटर्न कितना मिलता है, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड हाउस है, मंथली 20 से लेके 25% गारंटेड मंथली रिटर्न मिलता है, राइट। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और नेक्स्ट आता है कंपनी का लास्ट जो कि स्टेज है $3,000, राइट। अगर मान लीजिए उससे भी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ $3,000 के अंदर भी आप जा सकते हो और अपना आईडी को भी एक्टिव कर सकते हो। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि $1,000 का आपका आईडी है तो आपको रेस्ट अमाउंट $2,000 दे के $3,000 में आप एंट्री कर सकते हो। और उसकी एग्रेस्ट में कंपनी आपको क्या देगा, ट्रेडिंग लिमिट यहाँ देता है $30,000, मतलब 30 लाख डाल सकते हो ओनली, 30 लाख डाल सकते हो ओनली वाइज विंग में। और वाइज विंग में जितना आप डाल सकते हो उसका डबल डाल सकते हो आप फायरफॉक्स में, जो कि होता है $60,000, ठीक है। और इसमें आपको कितना मिलेगा, 20 से 25%, और वाइज विंग में कितना मिल रहा था, 14 से 15%। और सबसे बड़ी बात है आप वहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी एंट्री कर सकते हो, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। यहाँ आप मैक्सिमम कितना जा सकते हो, $60,000 का 5 times, ठीक है, जो कि होता है 3 crore आप डाल सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे कम भी डाल सकते हो, राइट। और उसकी एग्रेस्ट में आपको एवरी मंथ मिलेगा 24%, राइट। ये सारे का सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ये सारे के सारे कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैंने आपको यहाँ टैबलेट में भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि जो ट्रेड हाउस है, ठीक है, वन इज़ द वाइज विंग, जो कि इसका रिटर्न होता है 14 से 15% मंथली, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जितना है फायरफॉक्स का इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस और प्रोफेशन के ऊपर रहता है जो कि प्रॉफिट रहता है, राइट। जो जितना माहिर है, मास्टरमाइंड है फॉरेक्स मार्केट में, वो उतना रिटर्न निकाल सकता है, राइट, ऐसी बात है। नेक्स्ट है जो कि अदर ट्रेड हाउस, जो कि मैंने बोला था फायरफॉक्स। और फायरफॉक्स में आपको यहाँ कितना मिलता है, एवरी मंथली 20 से लेके 25% आपको रिटर्न मिलता है, जो कि हम बोलते हैं 20% से लेके 25%, राइट। ये आपको वाइज विंग एंड फायरफॉक्स का कुछ एग्जांपल दिया है कि उनका रिटर्न एवरेज मंथली कितना होता है, राइट। उसके बाद आता है टाइटन क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो कि क्रिप्टो में कैसे डाल सकते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने PDF में आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा बात है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, आप अगर मान लीजिए कि क्रिप्टो में पेमेंट अभी सेप्टेम्बर मंथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेप्टेम्बर मंथ में आप जितना क्रिप्टो में डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन आपका आईडी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके ग्रीन होना चाहिए तभी आप डाल सकते हो। और मिनिमम ट्रेडिंग में आप कितना डालते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मिनिमम है $100 से लेके आप जितना भी डाल सकते हो अनलिमिटेड तक। और अभी सेप्टेम्बर मंथ में जो भी बंदा ट्रेड में लगाया है उसका डेली का डेली 1% उसको मिलेगा, मतलब डेली का डेली 1%, और अगर महीने में कैलकुलेशन करोगे तो 30% होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, यहाँ दिखाइए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 30 days है, स्टैकिंग पीरियड 30 days, अदर कंपनी का तो 1 year 5 year होता है, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 30 days, राइट। और आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है 30%, ठीक है, और डेली का डेली आपको अगर कैलकुलेशन करें तो 1% आपको हो जाता है, ठीक। अभी जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो में अभी डाले, ठीक है, जितना भी पेमेंट आपने यहाँ डिपॉजिट किए हो सितंबर मंथ के लिए, आप वो अक्टूबर मंथ में भी आपका कंटिन्यू होगा और डेली का डेली 1% ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप अक्टूबर मंथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलता है 24%,
अगर आप सेप्टेम्बर मंथ में मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया मैं अभी सेप्टेम्बर मंथ में डिपॉजिट कर दिया, जितना दिन है उतना दिन का मेरे को 1% हिसाब से मिल जाएगा। आफ्टर अक्टूबर मंथ में भी 1% मिलेगा क्योंकि मैंने सेप्टेम्बर मंथ में डाल दिया था पेमेंट, राइट। अगर मैं अक्टूबर मंथ में डाला होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, डेली का डेली 0.8%, महीने का 24% ही मिलता। सिंपल सा बात है। तो इसलिए सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सेप्टेम्बर मंथ और अक्टूबर मंथ दोनों मंथ में अगर प्रॉफिट 1% हिसाब से 30% लेना चाहते हैं तो सेप्टेम्बर मंथ में ही आपको पेमेंट डालना पड़ेगा और अक्टूबर मंथ में आपका आईडी $1,000 आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट। सिंपल सा बात है, इतनी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारा मोस्ट कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ देखते हैं तो लो एंट्री बैरियर, आप छोटी सी छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, हाईली रिटर्न आपको मिलता है जो कि 10-15 से जो कि आपको मिल रहा था 10-30% तक आपको मिलता है हाईली रिटर्न, लो रिस्क। यहाँ रिस्क भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कंपनी को ट्रेड कर लेकर दे रहा है, कंपनी प्रॉफिट करके आपको दे रहा है, राइट। और शॉर्ट ट्रेडिंग टर्म कैपिटल एश्योरेंस, राइट, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके साथ साथ आ गया है कंपनी का वर्किंग प्रॉफिट। वर्किंग प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, आप जितना प्रॉफिट कमाते हो तो कमाते हो, लेकिन आपका मन हुआ तो मैं किसी को रेफर करना चाहता हूँ, किसी को बेनिफिट ये देना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ रेफर भी कर सकते हो। उसका कंपनी आपको अलग से जो कि प्रॉफिट दे रहा है, क्या प्रॉफिट दे रहा है, जो कि 7 टाइप ऑफ प्रॉफिट आपको दे रहा है, इनकम दे रहा है, ठीक है। क्या क्या है हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। पहला रेफरल रिवार्ड है, फर्स्ट है रेफरल रिवार्ड। क्या है, मान लीजिए कि आपका आईडी $30 में सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप किसी को भी रेफर करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर उसका 10% मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका आईडी $100 से लेके लास्ट तक जो कि $3,000 तक आपका आईडी अगर है तो आप किसी को भी अगर आप यहाँ रेफर करते हैं तो आपका 15% ही मिलता है, राइट। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने $100 का आईडी एक्टिव किया है, आपको मैंने रेफर किया और आपने $300 का आईडी एक्टिव किया तो $300 का 15% जो कि $45 मेरे को प्रॉफिट होगा। सिंपल सा बात है, राइट। नेक्स्ट आता है पेयरिंग रिवॉर्ड। पेयरिंग रिवॉर्ड क्या है, मान लीजिए कि आपका 10-15 जो कि कोई भी बंदा आते हैं आपके नीचे ज्वाइनिंग होता है तो आपको यहाँ बाइनरी सिस्टम से रखना पड़ता है। तो बाइनरी सिस्टम में क्या है, तो बाइनरी सिस्टम में क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ ज्वाइनिंग किए हो, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में मान लीजिए कि बी और राइट में सी ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, आपने $100 या $300 में सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि बी ने $5,000 का बिजनेस किया है ज्वाइनिंग के ऊपर और सी ने $2,000 का बिजनेस किया है तो आपको यहाँ मैचिंग होता है, 5,000 यहाँ 2,000 मैचिंग हो गया तो आपको $2,000 का मैचिंग होता है, तो $2,000 का जितना भी आप मैचिंग हो रहा है बाइनरी के, कंपनी आपको यहाँ 12% या कि 12% आपको दे रहा है, तो आपको कितना हो गया, $240 आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। और बाकी जितना भी अनपेड जो कि पेयरिंग नहीं हुआ है ये सारे के सारे नेक्स्ट जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट जॉब मैचिंग के लिए, राइट। कोई भी लैप्सेशन नहीं है, आपका ओनली कैरी फॉरवर्ड है, राइट। नेक्स्ट आता है टाइटन पार्टनर्स रिवॉर्ड। ये पार्टनर्स रिवॉर्ड क्या है, सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आपने कंपनी के माध्यम से बाइनरी एंड रेफरल इनकम से अगर कंपनी के माध्यम से अगर $500 अगर आप यहाँ अर्निंग कर लेते हो तो कंपनी आपको एक रैंक प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम है जूनियर पार्टनर। ये कंपनी का सबसे पहला रैंक है, राइट। और उसमें से क्या होता है, आपके नीचे कोई भी बंदा किसी को भी रेफर करके ज्वाइनिंग करता है तो आपको उसी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2% एक्स्ट्रा इनकम आता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसके बाद अगर $3,000 का अगर अर्निंग होता है तो आपको यहाँ 4% मिल जाता है, 2% के बदले अभी आपको कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 4%। कोई भी बंदा आपके नीचे ज्वाइनिंग करता है तो आपको ही 4% एक्स्ट्रा इनकम आएगा, राइट। फिर या तो $10,000 में अगर कोई भी अगर आप अर्निंग कर ले तो आपको एग्जीक्यूटिव पार्टनर का रैंक मिलता है और आपको 6% यहाँ मिलता है।
$30 का अगर इनकम कर ले तो 8% आपको मिलता है, और $10,000 अगर यहाँ इनकम कर ले है तो आपको यहाँ 10% इनकम मिलता है, राइट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आता है स्टेलर लीडरशिप रिवार्ड। स्टेलर लीडरशिप रिवार्ड क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने अभी इसी तारीख को ज्वाइनिंग करते हैं तो विद इन 10 days, जो कि 10 दिन के अंदर अगर आप 4 बंदा को रेफर करके ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको एक आईडी फ्री मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, मान लीजिए कि मैंने $100 का आईडी किया है और 4 बंदे को 100 का आईडी एक्टिव किया है तो मेरे को नेक्स्ट $100 का ही मिलेगा। अगर सबका आईडी का वैल्यू सेम है तो आपको सेम उसी का ही आपको आईडी फ्री मिलेगा, राइट। फिर आता है टाई डिविडेंड इनकम, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है इनकम, ठीक है। ये क्या है मैं आपको शो करने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपका आईडी $30 का सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आपके नीचे जो भी बंदा ट्रेड में लगाया है उसका प्रॉफिट का 5% आपको आएगा। एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने $100 में ज्वाइनिंग किया है, मैंने आपको रेफर किया है, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेडिंग में 200,000 रुपया डाला है, मतलब आपका एवरी मंथ कितना मिलेगा, 14-15%, 30,000 आपको होता है 200,000 का, उसी 30,000 का 5% मेरे को आएगा, प्रॉफिट का बेनिफिट मेरे को मिलेगा, राइट। जो भी रेफर किया है, मैंने आपको रेफर किया था, आपने जितने भी ट्रेड में डाला है उसका बेनिफिट का मेरे को बेनिफिट आएगा। कितना लेवल तक आएगा, अगर $30 का आईडी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है तो आपको 3 लेवल तक आएगा। लेवल क्या है, मैंने आपको ज्वाइनिंग किया, ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल, आप किसी को रेफर करते हो ये हो गया सेकेंड लेवल मेरे लिए, वो किसी को रेफर करता है वो मेरे लिए थर्ड लेवल है, ठीक है। अगर $100 के सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको 5 लेवल तक आपको मिलता है 5%, जो कि टोटल होता है 25%, ठीक है। और अगर $300 का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको मिलता है 8 लेवल तक 5%, जो कि आपको होता है 40% टोटल। अगर आपका आईडी $100 का सब्सक्राइब हुआ है तो आपको मिलता है वही 8 लेवल तक 5%, लेकिन पहला लेवल में मिलता है आपको 20% और सेकंड लेवल में मिलता है आपको 10%, राइट। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब, जो कि $3,000 का अगर होता है तो आपको वही फर्स्ट लेवल में मिलता है 20%, सेकंड लेवल में मिलता है 10% और बाकी में मिलता है आपको 5%, टोटल अगर कैलकुलेशन करोगे आपको मिलता है 70%, राइट। उसके बाद जो कि सुपर लीडरशिप डिविडेंड है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने पार्टनर्स मोस्ट हैव एटलीस्ट अचीवमेंट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर, मतलब आपका कंपनी के मदद से अगर $100,000 का इनकम हुआ है तो $100,000 का इनकम हुआ तो अगर इनकम हुआ है तो अभी किसी को भी आप और जितना भी रेफर किए थे उनमें से कोई भी बंदा वो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर हो गया तो अभी कंपनी आपको क्या करता है 5% हार्म्स मिलता है, ठीक है। जितना भी आपके नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं उसका एक्स्ट्रा 5% आपको आ रहा है डीपी, राइट। अगर दो बंदा, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है पार्टनर्स हैव 2x क्वालिफाइंग सीनियर पार्टनर तो आपको यहाँ मिलता है एथिना, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा 10% मिलता है। अगर तीन बंदे ने SNR जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर मिलता है तो आपको क्या मिलता है पोसिडियन, जो कि 15%। अगर चार बंदा ना आपके नीचे हो गया तो जो कि यहाँ लिखे पार्टनर्स 4x क्वालिफाइंग SNR एग्जीक्यूटिव पार्टनर सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर जो कि आपको मिलता है जीउस, जो कि 20% मिलता है आपको एक्स्ट्रा। कैसे मिलता है वो डिफरेंस के ऊपर मिलता है। देखिए मान लीजिए कि ये आप जूस है जो कि 20% हो, ठीक है, एथिना जो कि 10% है, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना हुआ 20 से माइनस 10 करोगे तो आपको 10% यहाँ डिफरेंस के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। उसके बाद सुपर इलेट बोनस है, उसी की तरफ से एक्स्ट्रा आपको मिलता है 5%, 4%, 3%, 2%। कैसा मिलता है यहाँ आपको देख सकते हो, पेसिडियन है, जूस है, तो आपको यहाँ डिफरेंस के हिसाब से 5% एक्स्ट्रा आता है। तो डिफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जितना ज़्यादा आप
काम कर गए, वर्क कर गए, उतनी ज़्यादा ही आपका बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है। उसके साथ सर कंपनी का कुछ ऑफर है जो कि लेफ्ट राइट मैचिंग से आपको कंपनी ऑफर भी दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल वन ले रहा हूँ, ठीक है, 12,000 कम्युनिटी में अगर आप यहाँ लेफ्ट राइट का बिजनेस कर रहे तो आपको वहाँ अपोल का वास $1,000 का आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से कंपनी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया है। अभी और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कंपनी के माध्यम से, जो कि विकी एफएक्स एक वेबसाइट है। सारे का सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हो विकी एफएक्स, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लोबली फॉरेक्स रेगुलेटरी इंक्वायरी आप है। वहाँ जाके जितना भी कंपनी है, ठीक है, उसके सारे के इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर टाइटन कैपिटल का अभी रिसेंटली बताऊँगा तो उसका रेटिंग है 7.45, राइट। उसके साथ साथ वहाँ आप देख सकते हो कि कितना आईएपी कवरेज अमाउंट है, वहाँ लिखा है $3,000, ठीक है। उनमें से रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो कंपनी पॉपुलरिटी में नंबर वन पे है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं सिंपल से बात करता हूँ, जितना भी वर्ल्ड वाइज ग्लोबली जितना भी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, उसको 40,000 कंपनी को रेगुलेटर कौन करता है, विकी एफएक्स। और विकी एफएक्स का काम क्या है, वो कंपनी का सब कुछ रिसर्च कर रहा है कि कंपनी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देगा। उसका स्कोर भी इंक्रीज करते जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ होता है उसको स्कोर भी डाउन करेगा, नेक्स्ट उसका रैंकिंग भी डाउन करेगा, और उसका कितना वार्निंग आए वो सारे का सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ शो कर लेगा, ठीक है। तो विकी एफएक्स जो कि यहाँ आप शो कर सकते हो कि जो कि ग्लोबल फॉरेक्स ब्रोकर रेगुलेटरी इंक्वायरी ऐप है, ठीक है। यहाँ अगर टाइटन कैपिटल, सो डियर फ्रेंड, अभी हम विकी एफएक्स में ऊपर जाके सारे के सारे लीगलिटी वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं हकीकत है, वर्ल्ड वाइज अगर ग्लोबल देखेंगे तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर 48,000 से प्लस कंपनी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से अगर हम देखेंगे तो इतनी सी कंपनी से कितनी कंपनी रेगुलेटेड कंपनी है, तो अगर आप सर्च करोगे तो उसके अंदर रेगुलेटरी कंपनी आएगा 300 to 400 कंपनी, ठीक है। उनमें से 300-400 कंपनी से अगर आप देखोगे टॉप रैंकिंग, ठीक है, जो कि ब्रांड रैंकिंग अगर आप सर्च करोगे, देखिए यहाँ ब्रांड रैंकिंग लिखा है ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने क्लिक किया, अगर देखोगे तो फर्स्ट एक नंबर पे आता है एक्सएम कंपनी, रेगुलेटरी कंपनी है। नेक्स्ट आता है गो मार्केट एंड आईसी मार्केट, जो कि तीन नंबर कंपनी में आते हैं, और रेटिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, 9.01 है इसका रेटिंग, ठीक है। अगर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए नीचे लिखा है सबसे नीचे 50 कंपनी है, जो कि 50 ब्रांड रैंकिंग लिस्टिंग के अंदर आता है, राइट। उनमें से अगर देखोगे एक एक कर का, मैं आपको ये पहली एक नंबर का दिखाता हूँ, ठीक है, इसका स्कोर वगैरह देखिए 9.01 स्कोर है, फुल लाइसेंस MT4 MT5 में ये ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ कौन सा लाइसेंस देखिए, ASIC जो कि हमारे कंपनी पे के लाइसेंस वगैरह अवेलेबल है, और ये बाकी कंट्री का भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं और भी कंपनी, एक्सनेस कंपनी, जो कि सबसे बड़ी बात है कि एक्सनेस कंपनी भी आल्सो पार्टनर विथ टाइटन कैपिटल मार्केट। XM एंड एक्सनेस ये दो बड़ी कंपनी भी, जो कि 10-15 साल का कंपनी है, ये दो कंपनी आल्सो कोलाबरेट विथ टाइटन कैपिटल मार्केट, जो कि ब्रोकर हाउस है, उसके साथ भी कोलाबरेट हो गया है दोस्तों, जो कि ये इंडिया के अंदर अगर रेगुलेटरी सब कुछ ओके है, जो कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये लाइसेंस वगैरह सब कुछ उनकी ओके है, ठीक है। और देखिए यहाँ रेटिंग वगैरह 8.36 इसका लाइसेंस है, फुल लाइसेंस MT4 MT5 में रेटिंग 8.36, राइट। इनका भी देखिए लाइसेंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और रेगुलेटरी कंपनी है दोस्तों, और सबको पता होगा कि ओक्टा एफएक्स, ठीक है, उसका भी मैं सर्च कर लेता हूँ, ओक्टा एफएक्स, जो कि एडवर्टाइज में आप मोबाइल में सब कुछ देख सकते हो। इसका रेटिंग देखिए 6.38 है, ठीक है, जो कि 5 साल का कंपनी है दोस्तों, और रिक्स एलर्ट पे कुछ लिखा है, जो कि मतलब 100% यहाँ आपका प्रॉफिट नहीं करता, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रोकर हाउस को बहुत सारे ब्रोकर हाउस है, आपको चॉइस करना है कौन सी ब्रोकर हाउस के अंदर आपको काम करना है, राइट।
आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप खुद अगर ट्रेड करोगे तो पहले बात तो आपके पास फंड रहना चाहिए सफिशेंट, नेक्स्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज विदाउट फंड से आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर नॉलेज नहीं है, ज़्यादा फंड भी लगाते हो फिर भी आपको लॉस होने का संभावना है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो पाएगा, ठीक है। आप लॉस भी खा सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाके भी VKFX में सर्च कर सकते हो, ठीक है। और बहुत कंपनी फ्रॉड भी कंपनी है देखिए, जो कि फ्रॉड नंबर नंबर वन पे भी आता है देखिए, ठीक है। उसका रेटिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए। सस्पेंडेड 1.26 लाइसेंस, वार्निंग लो स्कोर, प्लीज स्टे अवे, राइट। बहुत सारे ऐसा कंपनी है देखिए, जिसका रेटिंग 2 से नीचे आ गया तो आप समझ जाइए कि वो कंपनी वगैरह स्ट्रेंथ वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है, इसमें लिखा है नो लाइसेंस, राइट। और देखिए लो स्कोर, प्लीज स्टे अवे, ठीक है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और जो 50 ब्रांडिंग लिस्ट मैंने आपको बताया था, उनमें से अगर देखोगे तो आप टाइटन कैपिटल मार्केट जो कि 15 नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। यहाँ को हम क्लिक करते हैं, देखिए टाइटन कैपिटल मार्केट जो कि ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटेड कंपनी है, रेगुलेटर इन कनाडा, राइट। और टाइटन जो कि ऊपर लिखा है रेगुलेटर कंपनी, और रेटिंग देखिए 7.46 जो कि सबसे ज़्यादा रेटिंग है, क्योंकि 1 साल से कंपनी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि रेटिंग इतना जल्दी इतना फास्टली ग्रोथ किया है, ठीक है। और यहाँ आपको दिखा सकता हूँ जो कि कनाडा रेगुलेटर है, ASI रेगुलेटर है। और सबसे बड़ी बात यह कि फंड प्रोटेक्शन, जो कि लोगों का मन में डाउट था कि सर यहाँ फंड प्रोटेक्शन तो हम PDF में देख लिए, लेकिन हमको यहाँ और कहाँ देखने का मिलेगा, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं अगर कुछ भी होता है तो गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ IAP दिखा है, लीगलिटी 8A जो कि कवर्ड अमाउंट $3,000 लिखा है, ठीक है। यहाँ आपको फ्री एप्लीकेशन भी मिल रहा है, अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है कि आपका डॉलर वगैरह सब कुछ फ्रीज हो जाता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट आपका जो बॉन्ड मिला है यहाँ आप अप्लाई करके आपका एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आप सारे का सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आप दे सकते हो, जो कि विद इन 7 डे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और 1 मंथ के अंदर आपका जो भी पेमेंट आपने यहाँ डाला है प्रिंसिपल अमाउंट, उसका एग्नेस्ट आपको फंड सिक्योरिटी जितना एलिजिबल आप हो वो अभी आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और EMC 100% रिप्लाई दोस्तों, इसमें कोई भी टेंशन लेने का नहीं, राइट। और यहाँ देखिए टाइटन कैपिटल मार्केट वेबसाइट भी ऊपर लिखा है, यहाँ भी आप क्लिक करके डायरेक्ट अपना ID लॉगिन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। देखिए मैं जस्ट एग्जांपल के ऊपर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जो कि आपको भी पता चल जाएगा कि रियल है कि फेक है। अभी ये ब्राउजिंग हो रहा है, देखिए ओपन हो रहा है, राइट। यहाँ मेंबर लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप अपना मेंबर भी लॉगिन कर सकते हो, राइट। देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स बाय टाइटन एकेडमी, इसका एकेडमी कोर्स भी है, राइट। ठीक है, अभी मैं अपना ID लगाता हूँ, यहाँ मैंने सिक्योरिटी कोड भी डालना 28367 डाल के मैंने अभी लॉगिन किया, राइट। ये स्लाइड करके उसको ऊपर रख दीजिए। तो देखिए डायरेक्ट मैंने वेबसाइट में नहीं जाकर डायरेक्ट VKFX में जाके थ्रो भी वहाँ भी मैं क्लिक करके भी अपडेट करके मैंने लॉगिन भी कर दिया, ठीक है। तो ट्रूली ये जो वेबसाइट वगैरह सब कुछ सही है दोस्तों, उसमें कोई भी डाउट करना नहीं है, राइट। इस तरह से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। और सबसे गुड न्यूज़ है मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, पॉपुलैरिटी, ठीक है। पॉपुलैरिटी में नंबर कितनी नंबर पर रैंक में कंपनी है, मैं वो भी आपको शो करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है टाइटन कैपिटल मार्केट VKFX स्कोर 7.46 और सबसे बड़ी बात है नंबर 1 पे रैंक है दोस्तों पॉपुलैरिटी रैंकिंग, ठीक है। और एक्सन जो कि अल्सो कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप है, ठीक है, अभी अभी जो पार्टनरशिप बने हैं, ठीक है, जो कि उसका भी रैंकिंग 2 है दोस्तों, ठीक है। उसका पॉपुलैरिटी में नंबर 2 और नंबर 3 में और एक कंपनी आता है, ठीक है, कैंपमोर FX के नाम पे,
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है, आप वही उसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कंपनी नंबर वन पे है दोस्तों पॉपुलरिटी रैंकिंग में, ठीक है। तो इसमें से कोई कुछ भी घबराने के कोई बात नहीं, ठीक है, आप बिंदास काम कीजिए, ओके। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो और फोन करके भी आप गाइड ले सकते हो। उसके साथ सर, अगर ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी टीम आप करना चाहते हो तो हमसे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी एक इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं अभी क्रोम पे जाके, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास जो कि फ्रॉड भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए, और भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है टॉपअप, TOBBOB, ठीक है, TOBBOB, ठीक है। टॉपअप ये एक स्कैम रिव्यू अलर्ट एक वेबसाइट है, यहाँ भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं कौन सा कंपनी सही है गलत है और कौन सा कंपनी स्कैम वगैरह करके गया है, राइट। शायद नेटवर्क कुछ एरर आ रहा है अभी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि MTF कंपनी जो कि सारे के सारे बहुत सारे लोगों को गुमराह करके पेमेंट वगैरह को फ्रॉड करके, ठीक है, वो ऐसा कंपनी था जैसे कि सब लोगों को बोले थे कि मैं एक ट्रेड हाउस है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया था, वो गेमिंग का जैसे सॉफ्टवेयर बना के सबको शो करने के ही रखा था, ठीक है, कोई कुछ भी ट्रेड वगैरह नहीं किया था, राइट। वो कंपनी मैंने, कंपनी भागने से 2 महीने से पहले ही मैंने अलर्ट कर दिया था, जो कि मैंने आप वो सही है कि गलत है आप मेरा पुरानी वीडियो में भी जाके भी सर्च कर सकते हो, जो कि मैं टॉपअप वेबसाइट में ओपन करके भी दिखाया था कि ये कंपनी, बहुत सारे कंपनी आता है, जैसे कि यहाँ अलर्ट लिखा है, फिर भी कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने बताया था, फिर भी लोग ने नहीं सुने आफ्टर 2 मंथ के बाद, जो कि अभी रिसेंटली सारे जगह में जो कि अलर्ट हो गया कि भाई ये कंपनी भाग गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट लेके आया, करोड़ों करोड़ों का लोगों का पेमेंट लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी के आप मत पढ़ो, ठीक है, जो कि बहुत सारे कंपनी में आप फ्रॉड में जाते हो, सब कुछ आप जाके सर्च करो, मतलब जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, जाके सर्च करो, गूगल में सर्च करो, वेबसाइट में जाके सर्च करो, VKFX में जाके सर्च करो, टॉपअप में जाके सर्च करो, हर जगह आप सर्च कीजिए, फिर कंपनी में ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके ही काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको करना है दोस्तों, बिलीव के ऊपर काम करना है, 100% जेन्युइन कंपनी के ऊपर काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे तरह से आगे बढ़ना है। और आपको मैं लास्टली एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि कंपाउंडिंग का पावर, सबसे बड़ी बात है कंपनी टाइटन कैपिटल मार्केट जो है कंपाउंडिंग करके देता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपया ट्रेड में डाला है और हर महीना आपको कितना मिलता है दोस्तों, 14 से 15%, राइट। तो आपको जो 15% हर मंथली मिलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने 1 महीने के लिए विड्रॉ नहीं किया आपका प्रॉफिट अमाउंट, तो कंपनी क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ में वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 रुपया था, वो जो पिछले महीने जो विड्रॉ नहीं किया था 15,000 प्रॉफिट का, वो 15,000 आपको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देगा, मतलब आपका हो गया 1,15,000, 1,15,000 का आपको कंपनी मल्टीप्लाई करके, जो कि कंपाउंडिंग करके 1,15,000 का 15% नेक्स्ट मंथ में आपको दे देगा, ठीक है। तो 17,000 समथिंग हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, और समूल शुद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1,00,000 रुपया यहाँ डाला है, राइट, बिजनेस करने के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है ओनली ट्रेड में, राइट। मंथली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं 15% लेता हूँ, जो कि इंटरेस्ट रेट 15%, और अगर सिर्फ 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 3 महीने के लिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है,
15% इंटरेस्ट 1,00,000 रुपया आपने डाला है, 3 साल के बाद अगर आप रिमाइंडिंग करोगे कि मेरा पैसा कितना हुआ है, कहीं पे भी आपको इतना अमाउंट नहीं मिलेगा जहां यहां मिलना आपको जो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहां कंपाउंडिंग अगर होता है तो देखिए यहां आपको दिखा रहे हैं एक में, ठीक है, फर्स्ट महीना में 1,00,000 का 15% आपको कितना मिल रहा है, 15,000 रुपया। तो सम कितना हुआ टोटल, 1,15,000। नेक्स्ट मंथ में कितना होता है, 1,15,000 का 15% अगर कैलकुलेशन करोगे तो 17,250 हो रहा है, राइट। यहाँ तीसरा महीना में आपको कितना हो रहा है, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया अभी 1,32,250, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका 15% तो आपको मिलेगा 19,838, जो टोटल अगर देखोगे तो 1,52,088 रुपीस आपको हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर कैलकुलेशन करके जाओगे तो एक साल के अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है टोटल 5,35,025 रुपीस। मतलब आपके नीचे, राइट, जितना भी आपने ट्रेड में डाला है उसका 1 ईयर के बाद 5 times मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल, आपने 1,00,000 रुपया डाला था, आफ्टर 1 ईयर आपका 5,00,000 गारंटेड हो जाएगा, ठीक है, 5 times। इसको अगर आप विड्रॉ नहीं करके अगर नेक्स्ट जो कि सेकेंड साल जो कि 24 months के लिए अगर छोड़ देते तो आपको कितना होता है, 28,62,518 रुपीस, राइट। अगर 3 साल के लिए अगर छोड़ देते हो तो आपका कितना होता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए लास्ट में 36 months के लिए 1,53,00,000, उससे ज़्यादा आपको जो पेमेंट मिलता है दोस्तों, उससे कम भी नहीं दोस्तों, 1,53,00,000 आपका इनकम हो गया दोस्तों, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकम है दोस्तों, मात्र 1,00,000 अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते तो हो तो 3 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हो तो आप गारंटेड यहाँ करोड़पति बन जाते हैं दोस्तों। ये है कंपाउंडिंग का पावर, और ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट पे ही अवेलेबल हो सकता है दोस्तों, और उसी फील्ड पे भी नहीं अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। ओनली फॉरेक्स मार्केट में ही कंपाउंडिंग हो सकता है, और बैंक में जाइए कि और किसी भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ से ही मल्टीप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों ये तो मिनिमम मैंने 15% लिया है, आपका फायरफॉक्स भी है और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी है जो कि 24% आपको मिल रहा है मंथली। तो कैलकुलेशन करोगे 24% तो आपका 2 साल के अंदर ही आप करोड़पति हो जाएगा दोस्तों, मात्र 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो सकता है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए, राइट, और फोन करके आप डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे जो चैनल है आइकॉन इंडिया, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपग्रेड आपको मैसेज में देना चाहूँगा जल्दी से जल्दी आपका वो जो इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द